सनातन और भगवा, वो कैसे हुआ और वो क्यों हुआ? भगवा का भी एक सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. तीन मुझे पता है, जो मैं जब मैं एक सात्विक एनर्जी में रहता हूँ, सो मैन आई एम द राइजिंग सन इज व्हाट कलर, दिस इज द कलर ऑफ द राइजिंग सन, एंड दैट मोमेंट इज अ वेरी सात्विक मोमेंट. सात्विक मीन्स इट्स क्रिएटिव क्रिएशन, एंड द क्रिएशन इज अ वेरी सात्विक प्रिंसिपल ऑफ यू नो ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स. सो दिस कलर इज सिम्बोलिज्म ऑफ द राइजिंग सन विच इज क्रिएशन. There's another point to it, that when you mix turmeric and vermilion, it comes out to be orange. That is also another thing that you have, both the things are very Ayurvedic. Turmeric ka to main bahut bolta rehta hu, cumin bol rahe the, main roz khata hu haldi, to mera skin naturally glow karta hai. So turmeric and vermilion dono mila ke orange banta hai. That is another thing. Ek aur jagah maine padha tha, see that's the beauty of Sanatan, there's no one answer. 100 answer nikal jayenge. Ek aur answer hai iska. Apne ghada dekha hai, ghada jab banta hai, जब मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है, उसको जब रोस करके पक जाता है, वैसा ही हमारा चित्त है, हमारा मन है. जब वो कच्चा रहता है, बहुत फ्रेजाइल होता है. कुछ ने कुछ बोल दिया, ईगो लग गया, किसी ने कुछ बोल दिया, ट्रिगर हो गया, गुस्सा आ गया, लस्ट आ गया. पर जब ये भगवा पहनते हैं, धारण करते हैं, इसका मतलब आपका घड़ा पक गया है, दिस इज पका हुआ है. सो वेन यू बिकम एस्टैब्लिश्ड इन योर ओन सेल्फ एंड यू नो दैट, दैट इज द टाइम यू कैन यूज दिस कलर, एंड इट इज अ रिमाइंडर दैट यस, मैं एक पक्का घड़ा हूँ.